नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर पर चर्चा के लिए मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अब अविश्वास प्रस्ताव पर बीते दो दिनों से चर्चा चल रही है। वहीं अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी को बोलना है। पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार शाम 4 बजे सदन में जवाब देंगे। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का गुरुवार को तीसरा यानी आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी संसद में अपनी बात रखेंगे। इसके बाद विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। पीएम मोदी के सदन में भाषण से पहले कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि 20 जुलाई से इंडिया गठबंधन मांग कर रहा है कि पीएम को संसद में आना चाहिए और मणिपुर के बारे में बोलना चाहिए और वहां के लोगों के साथ शांति और एकजुटता का बयान देना चाहिए। पीएम को संसद में आने में 14 दिन लग गए। हमें उम्मीद है कि वो उन सवालों का जवाब देंगे जो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाए हैं। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि मैं पीएम मोदी से उम्मीद करूंगा कि वो गृहमंत्री की तरह वो अतीत जीवी ना हो जाएं। 9.5 साल से आप सरकार में हैं। अतीत में कुछ गलत हुआ भी हो तो आपके पास पूरा वक्त था और कितना वक्त चाहिए। मुझे लगता है कि पीएम को मणिपुर के लिए संवेदना देनी चाहिए। इसके अलावा शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी जवाब देंगे। जो मुद्दे हमने सामने रखे हैं, कल अमित शाह भी ये सवाल पूछ रहे थे कि वो क्लिप कैसे वायरल हुआ। कोई उन्हें याद दिलाए कि वो गृह मंत्रालय में हैं, गृह मंत्री हैं देश के। क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता था कि क्या चल रहा है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी की स्पीच को संसद टीवी पर ना दिखाए जाने के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संसद टीवी ना तो स्पीकर के हाथ में है और ना ही हमारे। जोशी ने कहा कि किसी सांसद के भाषण से असंसदीय शब्दों को हटाना दशकों से चली आ रही सामान्य संसदीय परंपरा है, ये आज शुरू नहीं हुई है। बता दें, कांग्रेस ने संसद टीवी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि लोकसभा में जब पार्टी के नेता राहुल गांधी बोल रहे थे तब ज्यादातर वक्त कैमरा उन पर नहीं था। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब उन पर 40% से कम वक्त कैमरा रहा था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी 37 मिनट बोले लेकिन संसद टीवी के कैमरे ने उन्हें सिर्फ 14 मिनट 37 सेकंड दिखाया। इसके अलावा लोग स्मृति ईरानी के भाषण की बात कर रहे हैं जिनको संसद टीवी में बहुत अधिक दिखाया गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राहुल गांधी पर कलावती का नाम लेकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि सदन में एक नेता हैं जिनको 13 बार लॉन्च किया गया और 13 बार लॉन्चिंग फेल हुआ। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। एक गरीब महिला कलावती के घर वो भोजन करने गए, यहीं पीछे बैठकर गरीबी का ऐसा वर्णन किया कि द्रवित हो जाएं। शाह ने कहा कि बड़ा अच्छा है कि आप इतने बड़े आदमी होकर गरीब कलावती के घर गए, भोजन किया। बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस गरीब कलावती का क्या किया। वो कलावती को बिजली, घर, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन के लिए गए हो, किसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो भी आज मोदी जी के साथ खड़ी हैं। इसके बाद मीडिया कलावती के यहाँ महाराष्ट्र के यवतमाल पहुँची और जानकारी लेने की कोशिश की। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कलावती के बेटे ने कहा, किसानों की हालत जानने के लिए राहुल गांधी महाराष्ट्र में घूम रहे थे, तब वो अचानक हमारे घर आए, पैसों से हमारी मदद की। राहुल गांधी के जाने के बाद पाठक साहब हैं, उन्होंने हमें 30 लाख की FD दी, फिर घर मंजूर किया, लाइट दी, पानी दिया, कंट्रोल दिया, ये सारी चीज़ें हमें राहुल गांधी ने दी। इंडिया टुडे से बात करते हुए कलावती बांदुरकर ने कहा कि मोदी झूठ बोल रहे हैं कि मदद नहीं की, उसके बावजूद मदद की है। ये बोलने का क्या मतलब है? बोलने में कुछ भी बोलते हैं कि मैंने मदद की है। वहीं कलावती बोली कि मैंने मदद की है, ऐसा बोलने में क्या जाता है? मेरी कोई मदद नहीं की है, घर दिया था, पर यह घर मुझे 2008 में ही मंजूर हुआ था। मेरी मदद सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ने ही की है। बता दें, कलावती के पति ने साल 2005 में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद राहुल गांधी ने साल 2008 में कलावती के घर का दौरा किया था और उनसे मुलाकात की थी। इसी का जिक्र अमित शाह ने किया। हालांकि कलावती के बयान के बाद अमित शाह घिर गए हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने राहुल गांधी की कथित फ्लाइंग किस को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सांसद पर हमारे स्टार खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, ऐसे में महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और अब वे किसी फ्लाइंग किस की बात कर रही हैं। बता दें, बुधवार को बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद में आपत्तिजनक आचरण करने का आरोप लगाया था।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सिर्फ एक महिला विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति ही ऐसी संसद को फ्लाइंग किस दे सकता है जहां महिला सांसद बैठी हों। इसके बाद बीजेपी के महिला सांसदों ने इस मामले में लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है। हालांकि हेमा मालिनी ने इसके बाद कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी की फ्लाइंग किस नहीं देखी, जबकि उनके हस्ताक्षर उसमें थे, जिसके बाद बीजेपी गिर गई। पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर धारा 144 लागू कर दी है और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम और जगह हम जल्द बताएंगे। बता दें, पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, जिसके बाद ये हुआ है। वहीं बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार को सुनवाई का दूसरा दिन है। बुधवार को ब्रजभूषण सिंह दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में मौजूद रहे थे। ज्ञानवापी परिसर में बुधवार को लगातार सातवें दिन एएसआई की टीम ने सर्वे किया। टीम परिसर में पहुंच गई है और हर रोज की तरह करीब 8 बजे से सर्वे का काम शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। परिसर का सर्वे वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, जिसमें कई आधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। परिसर को समझने के लिए निर्माण शैली, 3D इमेजिंग और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। एएसआई का मानना है कि सर्वे का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई रिसर्च का रास्ता खोल सकता है। इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की भी मदद ले सकता है। इस तरह की विशेषज्ञता की भारत में कमी है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है। बता दें, देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अब वो चाहे हरी सब्जियों की बात हो या फिर घर के राशन की, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने लगातार तीसरी बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस वित्त वर्ष खुदरा महंगाई 5.4% की दर से बढ़ेगी। बता दें, रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। अगर रेपो रेट बढ़ाई जाती है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है, जिसके चलते लोन लेने वालों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार आधी रात को नेशनल असेंबली यानी एनए को भंग करने को मंजूरी दे दी, जिससे वर्तमान सरकार के कार्यकाल का अंत हो गया। पाकिस्तान के द डॉन अखबार ने जानकारी दी। असेंबली को भंग करने की अधिसूचना एवान ए सदर ने जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि एनए को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है। अनुच्छेद 58 के अनुसार यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद 48 घंटे के भीतर विधानसभा को भंग करने में विफल रहते हैं तो विधानसभा खुद ही भंग हो जाती है। इस बीच प्रधानमंत्री शाहबाज और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के पास कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए संविधान के अनुसार अब 3 दिन का समय है, लेकिन अगर वो किसी नाम पर सहमत होने में नाकाम रहते हैं तो मामला स्पीकर द्वारा गठित एक समिति के पास भेजा जाएगा, जिसे 3 दिनों के भीतर अंतरिम पीएम के लिए एक नए नाम को अंतिम रूप देना होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।